हेलो बच्चों बच्चों, ये जो वीडियो है ये अब तक के जो सीबीएसई के पूरे अपडेट्स हैं उनके बारे में है कि अभी तक क्या पूरा पूरा घटनाक्रम रहा है और क्या चीजें निकल के आई हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, पहले भी मैंने वीडियो बनाए कि जेई की मेन की डेट्स क्या है, एडवांस की डेट्स क्या है, नीट की डेट क्या है, बोर्ड एग्जाम्स जो बचे थे सीबीएसई की उनकी डेट्स क्या है, कॉपी चेकिंग का स्टेटस क्या है, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के रिजल्ट कब आ सकते हैं, और साथ में 2020-21 वाले जो बच्चे हैं अगले साल जो एग्जाम देंगे उनके सिलेबस के बारे में क्या राय हो सकती है। तो ये सारी बातें मैं कवर कर रहा हूँ। इट इज ए बेसिकली ये समरी अब तक जितनी भी अपडेट्स सीबीएसई के बारे में रहे हैं। तो बात शुरू करते हैं हम लोग जेई मेन से। तो आपको पता ही है कि अपने मिनिस्टर साहब ने, एजुकेशन मिनिस्टर साहब ने जेई मेन्स की तारीख घोषित की थी 18 जुलाई से लेके 23 जुलाई के बीच। जेई मेन्स 18 जुलाई से 23 जुलाई के बीच, और जेई एडवांस की डेट दी है अगस्त 23 अगस्त को जेई एडवांस। और नीट एग्जामिनेशन की बात करूं तो वो 26 जुलाई को पढ़ेंगे इस बार, जो अभी तक घोषणा की गई है। ये तो हो गया जेई और नीट के बारे में। अब सीबीएसई बोर्ड के जो बचे हुए एग्जाम थे इसकी बात फटाफट हम लोग करते हैं और उसके अपडेट्स भी दिखाता जाऊंगा आपको। तो बोर्ड एग्जाम में जैसा सीबीएसई ने बताया था कि ऑल ओवर इंडिया जो एग्जामिनेशन 10th वाले थे वो नहीं होंगे, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के होंगे जो बचे थे केवल। तो 10th के एग्जाम खत्म हो गए हैं, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली वाले जो किसी वजह से नहीं हो पाए थे वो होंगे 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच। और साथ में जो 12th क्लास में बच्चे पढ़ रहे हैं उनके जो पेपर बचे थे 29 पेपर, ऑप्शनल तो लेना नहीं है, ऑप्शनल की जो मार्किंग है वो आपके इंटरनल प्रोसेस के हिसाब से आपको मार्क्स दे दिए जाएंगे, लेकिन जो मेन सब्जेक्ट्स बचे थे वो मेन सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन लिया जाएगा और वो 1 से लेके 15 जुलाई के बीच लिया जाएगा। किन एग्जामिनेशंस को लेना था इसका सर्कुलर सीबीएसई ने 1 अप्रैल 2020 को ही अनाउंस कर दिया था, आप कई बार देख चुके होंगे। तो जो मेन एग्जामिनेशन अभी बचे हुए हैं 12th वालों के, उनका अब जो एग्जाम होना है वो 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच होना है। अब इन बातों को समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सीबीएसई की वेबसाइट में आते हैं और अब मैं दिखाता हूँ क्या अपडेशन मौजूद है हमारे लिए। तो चलिए चलते हैं सीबीएसई की वेबसाइट पर। तो ये साहब हम लोग सीबीएसई की वेबसाइट पर आ गए। यहाँ पर अपडेट्स की बात करें तो ये देखिए हमारे पास जो रिसेंट अपडेट दिखाई पड़ रहा है 8 तारीख का रात को उन्होंने अपडेशन की है। इसको जब आप क्लिक करेंगे तो देखिए एक लेटर खुल जाता है। ये लेटर ये बताता है कि 1 से सीबीएसई विल होल्ड रिमेनिंग एग्जामिनेशन 10th एंड 12th एग्जाम बिटवीन 1 टू 15 जुलाई। द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग डिटेल्स ऑफ सब्जेक्ट फॉर विच एग्जाम्स विल बी हेल्ड इज गिवन इन प्रेस रिलीज 1/4/2020 को जो दिया था। और ये इसके बारे में कब एग्जाम्स होने, किस डेट को कौन सा एग्जाम होना है इसके बारे में सीबीएसई ने अभी घोषणा नहीं की है। जल्दी ही वो इसको प्रेस रिलीज में बताएंगे, जैसा लिखा भी है कि डेट शीट फॉर द रीशेड्यूल्ड बोर्ड एग्जामिनेशन शैल बी कम्युनिकेटेड बाय द बोर्ड एग्जाम्स बोर्ड थ्रू इट्स वेबसाइट एंड प्रेस रिलीज सून। ये अनुराग त्रिपाठी साहब है, सेक्रेटरी हैं सीबीएसई के, इन्होंने ये अपडेशन जो आया था मैंने आपके सामने रख दिया। इस घोषणा से कई बच्चे खुश हैं कि उन्हें बोर्ड एग्जाम देने का मौका मिल रहा है, और उनका ये कहना था कि उनके जो इंटरनल एग्जाम्स थे वो बहुत अच्छे नहीं गए थे, तो उनके पास एक मौका है, बहुत अच्छा मौका है कि अधिक नंबर ले आए। कुछ बच्चे नाखुश हैं क्योंकि कह रहे हैं कि हेल्थ को या अपनी लाइफ को डेंजर में डालवाने की क्या जरूरत है सीबीएसई को, जब इंटरनल मार्किंग कर ही रही है तो उसकी भी कर देनी चाहिए। एनीवे ये अपनी अपनी राय हो सकती है। तो ये तो 1 से 15 जुलाई के बीच होने वाले एग्जामिनेशन का जानकारी थी। अब देखिए बात करते हैं जो एक बड़ी डेट अपडेट्स था कि रिजल्ट सीबीएसई के कब तक आएंगे। तो रिजल्ट अब सीबीएसई के आने का जो चांस है या जो आएंगे ऐसा बोलें वो अगस्त में आएंगे। अब ये मैंने बातें कहाँ से कह रहा हूँ, ये देखिए जागरण करके एक न्यूज़पेपर आता है, इनकी वेबसाइट भी है, यहाँ पे भी इन्होंने बातें लिखी हैं। देखिए ये जोश करके कि सीबीएसई रिजल्ट्स, ये लिखा हुआ ना सीबीएसई रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड इन अगस्त चेक ऑफिशियल अपडेट्स, मतलब एक्सपेक्टेड मतलब कयास ही लगा रहे हैं, अनाउंसमेंट सीबीएसई की तरफ से नहीं है। भाई लॉजिकल भी आप देखिए, 15 जुलाई जब आप एग्जाम ही लेंगे तो उसके बाद कॉपी चेक होनी, मतलब जो कम से कम इसकी जो बची कॉपी है उसके बाद एग्जामिनेशन की घोषणा, रिजल्ट की घोषणा करनी। तो आप ये मान लीजिए कि जो सीबीएसई का रिजल्ट आने वाला है वो आपका अगस्त में आएगा।
अब बात करते हैं कॉपी चेकिंग की कि अभी करेंटली आज की डेट में कॉपी चेकिंग का स्टेटस क्या है। तो आज की डेट में कॉपी चेकिंग स्टार्ट नहीं हुई है, इसके बारे में कोई अपडेट सीबीएसई की तरफ से? तो सीबीएसई की तरफ से कोई अपडेट नहीं है। तो अभी तक सीबीएसई की तरफ से कॉपी चेकिंग का कोई अपडेट नहीं है। हम लोग ये मान के चल ही सकते हैं कि किसी भी सूरत में जब 1 जुलाई से 15 जुलाई तक सीबीएसई ये सोच सकती है कि बच्चों को एक साथ बैठा के एग्जाम लिया जाए, तो कॉपी चेकिंग तो उस समय हो ही रही होगी, ये तो पक्का ही मान सकते हैं। तो और उससे पहले भी अगर कुछ छूटें मिल गई गवर्नमेंट की तरफ से, तो हो सकता है कॉपी चेकिंग जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर दी जाए। तो जैसे ही कॉपी चेकिंग स्टार्ट की जाएगी, मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। आज की डेट में सीबीएसई की तरफ से कोई भी अपडेट नहीं है कॉपी चेकिंग को लेके, लेकिन रिजल्ट आप ये मान के चल सकते हैं कि अगर भयानक स्थिति हिंदुस्तान में नहीं हुई कोविड-19 को लेते हुए, तो आपको रिजल्ट जरूर अगस्त में मिलेगा। अब बात करता हूँ सिलेबस का। सिलेबस जो 2020-21 के एग्जामिनेशन होने, यानी जो बच्चे अगले साल 12th का एग्जाम देंगे या 10th का एग्जाम देंगे, तो सिलेबस घटाने की बात चल रही है। इसके लिए मनीष सिसोदिया साहब जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं दिल्ली के, उन्होंने इसके लिए एक रिक्वेस्ट भी डाली थी या प्रपोजल भी दिया था सीबीएसई को, ऐसा करना चाहिए कि 30% सीबीएसई को सिलेबस रिड्यूस कर देना चाहिए। सीबीएसई ने अभी तक इसका अनाउंसमेंट नहीं किया है कि रिडक्शन वो करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन मेरी पर्सनल राय, पर्सनल एक अंदाजा ये है कि भाई साहब सिलेबस रिड्यूस तो होगा, क्योंकि अब अगस्त में अगर आप रिजल्ट देंगे, और अब ये मान के चलें कि रिजल्ट के दौरान ही सेशन स्टार्ट हो, नया सेशन जुलाई से पहले स्टार्ट होता दिखता नहीं, और नई सिचुएशन में तो जुलाई में भी स्टार्ट होता हुआ नहीं दिखता, क्योंकि जुलाई में बोर्ड एग्जामिनेशन चल रहे होंगे कुछ 1 से 15 तारीख तक। तो ये डिलेड चक्कर है अभी की सिचुएशन पे, अगर चीजें और खराब ना हुई तो। उस बात को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि सिलेबस में रिडक्शन ये एकदम पक्का ही है। अब ये कितना रिडक्शन होगा और कब होगा ये समय बताएगा, तो लेट्स सी। तो सिलेबस तो कम होना ही है बेटा, वो कितना कम होगा ये समय बताएगा, लेकिन ऐसा तो नहीं कर सकते कि अब अगस्त से आपकी पढ़ाई 4 महीने की पढ़ाई कराई जाए या 5 महीने की पढ़ाई कराई जाए। वैसे भी बहुत टाइट शेड्यूल रहता है स्कूलों में, कितनी पढ़ाई होती है कहना तो नहीं चाहिए, आप जानते ही हैं। अब इस सुपर सोनिक स्पीड से पढ़ाएंगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा आपको। तो सिलेबस तो कम होगा ये पक्का लग रहा है। तो ये जानकारी मैंने आपको दे दी थोड़ी सी, और साथ में मैं राय भी आपको एक दे देता हूँ, बाकी तो आप समझदार हैं। तो जो बच्चे अभी 10th या 11th या 12th में, वो कतई आप वेट मत कीजिएगा, क्योंकि आपको बेटा अच्छे मार्क्स भी लाने हैं और कॉम्पिटेटिव एग्जाम को भी आगे देखना है। तो आप ये मत सोचिएगा कि चीज़ें निकल रही निकल जाने दें। इसमें मैं एक सेपरेट वीडियो भी आपके लिए बना दूंगा कि इस लॉकडाउन में आप अपने दिमाग को लॉकडाउन या पढ़ाई को लॉकडाउन मत करिएगा, पढ़ते रहिए। और जैसा आप जानते भी हैं कि क्लास 10th और 11th 12th के लिए फिजिक्स और मैथमेटिक्स के कोर्सेज हैं, हाई क्वालिटी कोर्सेज, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड करके आप अपना फ़ायदा कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। आप बताइए कि जो अपडेशंस फर्दर आएंगे तो मैं दूंगा ही, साथ में आपको किस बात पर और क्लैरिटी चाहिए कमेंट सेक्शन में आप बोलें, बताएं, मैं कोशिश करूंगा आपको बता सकूं। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।